देवेंद्र फडनवीस जैसे लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में नहीं उन्होंने कहा कि देखिए एक साथ आ, एन मास वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हुई तो आई एम आस्किंग यू आई समी एज अ मुस्लिम यूथ नागा खानी इन like बीजेपी कि क्या बीजेपी वाकई में इतना आ, क्या कहते हैं हिंदू ओनली है या एक्सक्लूसिविस्ट है कि जो मुसलमानों के बीच में है कि भाई इनसे हम सारे बेनिफिट्स लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे ये क्यों है इसमें तीन एस्पेक्ट्स को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ पहले तो देवेंद्र भाव ने जो भी बोला है उन्होंने तो फैक्चुअल विश्लेषण वही किया है जो आपके चैनलों पर चलता है लोकनीति का और बाकी आप सर्वे दिखाते हो आप ही दिखाते हो 85 फाइव परसेंट मुस्लिम वोटेड फॉर वन पार्टी 95 परसेंट वोटेड फॉर वन पार्टी फलाने बूथ में घर पहुंचा नल पहुंचा शौचालय पहुंचा वोटेड फॉर वन पार्टी एक वोट नहीं आया तो ये फाइनेटिकल जो इसको कह सकते हैं मोबिलाइजेशन नॉट इन एनी अदर सेंस ऑफ द वर्ड, फेनेटिकल मोबिलाइजेशन मतलब कि मुझे मेरे भले के लिए भी हो मैं जाके उसके खिलाफ जाना चाहता हूं मोबिलाइजेशन हो रहा है ना समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला ना वोट जिहाद करो कई बार कमलनाथ से लेकर सिद्धू से लेकर अलग अलग, अलग कांग्रेस के नेताओं ने बोला ना कि एक मुस्ट हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे और इनका क्या है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो सॉरी टू तो से मीडिया भी ये करता है हिंदू का वोट क्या होता है जाट वोट ब्राह्मण वोट ठाकुर वोट क्षत्रिय वोट वोटी वोट। से मैं खुद इतफाक इसके खिलाफ लेकिन प्रोफेशनल प्रोफेशनल मजबूरी है क्योंकि इसी तरह से आंकड़े आते हैं मुस्लिम हिंदू सब बटे होते हैं मुसलमानों में फिरके नहीं होते हैं वही मैं कह रहा हूँ क्या मुस्लिम एक अरे सबसे ज्यादा दंगे सुधांशु जी अब जिस बार आएंगे आपके इस पॉडकास्ट पर वो बताएंगे लखनऊ में जब वो बड़े हुए तो सबसे ज्यादा दंगे हिंदू मुस्लिम के नहीं देखे उन्होंने शिया सुन्नी के देखे भाई साहब वो शिया की ताजिया को नहीं जाने देते थे कश्मीर में तीस तीस वर्ष आज मोदी आया है तो ताजिया निकल रहे हैं शियाओं के और ये आज शियाओं के बड़े हमनवा बन रहे हैं और नसर अल्लाह को शहीद बता रहे हैं और बशीर अहमद जो हमारा जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर मारा गया उसके लिए तो एक ट्वीट नहीं निकलेगा महबूबा जी का और उमर अब्दुल्ला का एनीवे वे

एक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण जहां पर एक मोहम्मद आकर बोले कि मैं मोहम्मद हूं इसलिए नहीं मिला मोहित को मिला hmm. अब्दुल को नहीं मिला आनंद को मिला शिल्पा को मिला सुल्ताना को नहीं मिला अगर एक एक ओनली वन चुनौती है मेरी एक लेकर आकर दे दे hmm. उल्टा मैं आपको आज क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूं प्योरली सेक्युलर गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल बीजेपी तो बिचारी वहां आई नहीं कभी गुजरात में पैतीस साल से केवल बीजेपी अब दोनों बीजेपी रन गुजरात और बंगाल तृणमूल लेफ्ट कांग्रेस रन बंगाल इंडाइस ऑफ हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंक्लूजन इंक्लूजन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स फिर अपना जो मंथली इनकम इन चार पैरामीटर्स पे मुस्लिम्स ऑफ गुजरात एंड मुस्लिम्स ऑफ बंगाल को कंपेयर करो हर इंडेक्स पे मुस्लिम्स ऑफ गुजरात बेटर देन ऑफ बंगाल इनफैक्ट नाइन परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन इन गुजरात 9% पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स 25% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इन बंगाल 2% पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स तो बीजेपी नहीं असलियत में सबसे बड़े एंटी मुस्लिम दल ये इंडिया अलायंस के लोग हैं क्योंकि hmm. ये दल ना जाति के है उस जाति के भी नहीं है भाई मुलायम सिंह यादव जी ने कौन से साधारण यादव को बनाया है hmm. कोई साधारण यादव को बना रहे हैं वो कौन बन रहा है अखिलेश यादव अखिलेश के बाद डिंपल यादव डिंपल के बाद रामगोपाल यादव रामगोपाल के बाद शिवपाल यादव शिवपाल अक्षय यादव अंशुल यादव, यादव तेजस तेज प्रताप यादव यही है लालू के बाद राबड़ी यादव राबड़ी के बाद तेजस्वी तेजस्वी के बाद मीसा मीसा के बाद तेज प्रताप ये यादव के भी नहीं है ये मुस्लिम के भी नहीं है ये अपने परिवार के है सिंपल अपने परिवार के है द्रविडियन मूवमेंट बोलते हैं द्रविडियन मूवमेंट क्या क्या स्टैलिन परिवार तक समाप्त है क्या स्टैलिन जूनियर स्टैलिन के आगे उनको दिख नहीं रहा द्रविडियन मूवमेंट सनातन समाप्ति की जो बात कर रहे हैं वो एनीवे anyway, वे तो मुझे लगता है कि ये लोग एक्चुअली में सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम एंटी अपनी जाति है मुस्लिम ब्लॉक एन मास वोट करता है तब तो फिर के नहीं है तब तो फिर ये कंसोलिडेशन ही आप कहेंगे ना जैसा आपने कहा कि वोट जिहाद की आपने बात की एक तरफ वो है दूसरी तरफ ये मानसिकता है जो कहती है कि एनी बट मुस्लिम बट इज दिस दस इजुलेट अक्रॉस आई एम आस्किंग यू दिस देखिए मैं आपको इसके दो तीन एग्ज़ाम्पल्स के साथ देता हूँ पहले तो ये जो ग्लोबल मुस्लिम सॉलिडारिटी और ग्लोबल मुस्लिम उम्मा कौम ये सब बातें होती है या यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे एक साथ आ जाना है यूनाइट हो जाना है ये कुछ सालों तक या कुछ जगहों तक तो हो जाता है बिकॉज hmm. आप उसको स्टार्ट जब करते हो वो मोबिलाइजेशन तब वो स्टार्टिंग में तो hmm. वो मोबिलाइजेशन का जो हफीम होता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है पर देन द नशा आउट वो असलियत में आ जाता है जैसे यहाँ पर तो चलो बीजेपी आर से लड़ते हो आप विच इज अ डॉग विसल फॉर समथिंग एल्स इराक में किससे लड़ रहे हो ईरान hmm. में किससे लड़ रहे हो लिबिया में किससे लड़ रहे हो सूदान में किससे लड़ रहे हो अफगानिस्तान में किससे लड़ रहे हो पाकिस्तान में किससे लड़ रहे हो लड़ने वाली पार्टी एक ही है hmm. यहां पे आप लड़ रहे हो बीजेपी आरएसएस से चलो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्मिनोलॉजी वहां पे आप लड़ रहे हो जूस से इसराइल में कहीं पर आप लड़ रहे हो कहीं और किसी से लड़ने वाली पार्टी एक क्यों है हमेशा ये एक्सक्लूसिव थॉट्स में जब आप चले जाते हो ना तो वो कहीं थमता नहीं यहां पर आप कहोगे बीजेपी इज एनिमी हिंदू इज माइ एनिमी आर एस एस इज़ मायनमी अब वहां पे हो गया है कि सुन्नी इज माई एनिमी शिया इज़ माई एनिमी दिस इज माई एनिमी दैट इज माई एनमी इंडिया का स्ट्रेंथ ये था कि बहत्तर के बहत्तर फिरके यहाँ पर शांति से रहते थे अब वो भी खतरे में आएगा क्योंकि जो नफरत के बीच से आप स्टार्ट करते हो तो वो नफरत जो है फैलता 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 जाकर इतना बड़ा कैंसर बन जाता है कि ये जो आप कह रहे हो ना वो नहीं हो पाता मैं आपको उदाहरण देता हूँ पहली बार जो ये ये जो यहाँ पे मुस्लिमों के लीडर बनते हैं ये कौन है ये लीडर आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए मुस्लिम कम्युनिटी में जो बेनिफिट्स पॉलिटिकल एंड अदरवाइज मिले हैं कांग्रेस और इनकी तरफ से भी वो केवल पांच परसेंट ऑफ द कम्युनिटी सैयद को मिले जो को अपर, मिले। अपर, अपर कास्ट कास्ट तो नहीं बोलूंगा क्लास बोलूंगा अपर, अपर, अपर क्लास कई लोग उनको लगता है शिया सुन्नी कास्ट है कास्ट नहीं है वो अलग अलग जो है आ, मुझे लगता है कि दे आर फिर हाँ वो या अलग अलग ब्रांचेस है पर वो कास्ट नहीं है टेक्निकली तो और पर सेक्ट्स क्या जा सकता हाँ, है सेक्ट्स है सेक्स वो, वो सेक्ट्स हाँ, है और दूसरा जो होता है वो क्लास डिफरेंसेस हाँ। है जैसे पसमानदा क्लास जो है वो 85 है वो गरीब हाँ, गरीब से है घोसी हाँ। धोबी अंसारी और जो अमीर जो है जो अपने आप को सोचते हैं कि वो यहीं से नहीं है वो तो है ही विदेश से उनका प्योर ब्लड हाँ। वो प्योर हाँ। ब्लड सैयद हाँ। हाँ, तो सायद। वो फाइव या टेन परसेंटेंट है, है। उन्हीं को बेनिफिट मिला है तो यानी वहां पर भी एलिटिज्म का गेम खेला गया पूरा एलिट यहाँ पे जितना नहीं है उससे ज्यादा वहाँ है साहब ऐसा है मैंने कई जगह देखा है जो अपने आप को सैयद मानते हैं और मैं सबके लिए नहीं कह रहा ये मेरा व्यक्तिगत एक एनेटल एक्सपीरियंस है उनकी मैंने बातें सुनी क्योंकि मैं तो पसमानदा कम्युनिटी से आता बट माई फैमिली वेल वे टू डू बिकॉज फादर्स एफर्ट्स वो कहेंगे कि हम किसी ब्राह्मण के साथ तो बैठ जाए पर इसके साथ नहीं बैठ सकते oh. Oh. ये तो उससे ज्यादा खतरनाक है भाई साहब oh. 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 और ये वैसे कहेंगे कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं एक थाली से हम खाना खाते हैं ये सब चीजें जो है ना ये सब दिखावटी है बनावटी है ऐसी hmm. कोई सोलिडेरिटी नहीं है एक दूसरे को वो जान के दुश्मन बन जाते हैं। शिया सुन्नी का क्यों होता है झगड़ा तो ना एक ही प्रॉफिट हम सब मानते हैं ठीक है पर वो नहीं कर सकते क्योंकि नफरत के बीच एक्सक्लूसिविज्म और इससे उलट देखिए हिंदू फिलॉसफी क्या है हिंदू फिलॉसफी ये है कि तुम बोलते हो शिवजी महान है शिवजी की पूजा करनी करो कोई बोलता है विष्णु जी को करनी है करो शिव जी और विष्णु जी में दोनों कंपटीशन भी करते हैं कि भाई शिव जी वाला बोलता है नहीं मैं शिव जी को इसलिए मानता हूँ विष्णु जी वाला बोलता है मैं उसको मानता हूँ तो थर्ड आदमी बोलता है आप दोनों मेरे लिए महान है आओ सब साथ में मिलके जो क्रिटिसाइज करता ने, ने, है वेदों को उसको भी मानते हैं हरिहर नाम भी है यानी कि हरि इज कृष्ण विष्णु एंड हर हरा इज शिव तो हरिहर तो नाम भी है कि भाई दोनों को जोड़ के आप दोनों को ही मान लो उसमें भी तो, तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि वन थॉट वन बुक वन थिंग एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग यहां पर ये यह है असिमिलेशन का भाव करेक्ट इट इज लाइक अ ओशन सब आकर बहकर आ जाओ सब हमारे हैं और यहाँ पर हमारा सब है